बहुत अच्छी फीलिंग है। 9 सालों के बाद जैसे कि वनवास के बाद दीपावली के आसपास लोग वापस घर आते हैं, देखो वही हालत है। और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत हिचकिचा रहा था बनारसगढ़ में दोबारा आने के लिए, कई बार यहाँ से बातें हो रही थी, लेकिन ये हुआ कि अनुशासन के लिए और जो चीज़ अपने हाथों से इतनी मेहनत से खड़ी की गई थी उसके लिए एक मन में एक प्यार था। और कोशिश ये थी कि जो बनारस क्लब जिस लेवल पे पहुंचा है, बहुत ऊंचा है, इसको और ऊंचा ले जाया जाए। और सभी कर्मचारी हमारे साथ हैं, सभी पदाधिकारी हमारे साथ हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बनारस क्लब के मैनेजिंग कमेटी को, जिन लोगों ने यूनानिमसली यानी कि सब लोगों ने सर्वसम्मत से मुझे बुलाया और मुझे एक स्वर से मेरा सहयोग किया। एक साल जो आने वाला आगे होगा उसमें मेरी प्रायोरिटी रहेगी बनारस क्लब के अनुशासन को ऊपर ले जाऊँ, बाहरी लोगों के यानी नॉन मेंबर्स के एंट्री को बंद करूँ और क्लब को अच्छा बनाऊँ। सर, कितना महत्वपूर्ण है ये क्लब बनारस की नज़र से और आपकी जीत कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, दिल्ली और कलकत्ता के बीच में इस तरह का कोई क्लब और है ही नहीं, और इस प्रकार का इतना खूबसूरत इतना बड़ा क्लब ये बन चुका है बनारस का कि सोशल लाइफ का केंद्र बिंदु फोकल पॉइंट है और बहुत महत्वपूर्ण है ये क्लब। मैं समझता हूँ कि अब लोगों की आशाएं इतनी ज़्यादा हैं कि शायद मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद।